किसान भाइयों, हरी इल्ली चने के साथ साथ अन्य फसलों पर भी काफी नुकसान पहुंचाती है। इस हरी इल्ली का जीवन चक्र 35 से 45 दिन का होता है और जीवन चक्र में इल्ली चार अवस्थाओं से गुजरती है। यह अवस्थाएं हैं पतंगा, अंडे, इल्ली अवस्था एवं कोश अवस्था। यहाँ देखिए, एक मादा पतंगा फसल के मुलायम हिस्सों जैसे फूलों और फलियों के आसपास अंडे दे रही है। एक पतंगा 1500 अंडे तक दे सकता है। इन अंडों से करीब 3 से 5 दिनों के अंदर छोटी सी इल्ली बाहर निकलती है। यह इल्ली इतनी छोटी होती है कि आंखों से दिखती भी नहीं है। यहां देखिए कैसे इल्ली अंडे के खोल को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। बाहर निकलते ही यह इल्ली सबसे पहले फूलों पर हमला करेगी और फूलों का काफी नुकसान हो जाएगा, जो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। यहां इल्ली ने सबसे पहले फूलों पर हमला किया है और फिर नई फलियों पर। इस अवस्था तक फसल पर फूलों और फलियों का 25% नुकसान हो चुका होता है, यानी कि 25% उत्पादन कम। इस फूल की अवस्था में ही सबसे बढ़िया कीटनाशक इस्तेमाल करना चाहिए। यहां देखिए इल्लियां कैसे फूलों का नुकसान करने के बाद फलियों पर हमला कर चुकी है और कैसे फलियों के अंदर घुसकर दाने खा रही है। अगर ये नुकसान होने दिया गया तो इस अवस्था तक फसल का 40% नुकसान हो चुका होता है। किसान भाइयों, समझ जाइए कि इल्ली पर शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण आवश्यक है और सबसे बढ़िया कीटनाशक शुरुआती अवस्था में फूलों के समय इस्तेमाल करना पड़ेगा, न कि बाद में फली बन जाने के बाद। फसल पर नुकसान करके इल्ली अब अपने सबसे बड़े आकार पर पहुंच चुकी है। अब तक इल्ली का कोश अवस्था में जाने का समय आ चुका है। यहां देखिए यह इल्ली अब जमीन के नीचे जाने की कोशिश कर रही है और जमीन के नीचे जाकर कोश अवस्था में चली जाएगी। यहां देखिए इल्ली जमीन के नीचे पहुंच गई है और अब धीरे धीरे अपनी ऊपर की खाल उतार रही है। इस खाल को उतारकर इल्ली कोश अवस्था, जिसे आप शंखी भी बोलते हैं, चली जाएगी। इस अवस्था में इल्ली जमीन के नीचे कोश बनाकर निष्क्रिय पड़ी रहती है और बाद में अनुकूल परिस्थितियां देखकर इस कोश से पतंगा बाहर निकलता है और इल्ली का नया जीवन चक्र शुरू हो जाता है।